बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बीच भाजपा प्रदेश कार्यालय में सोमवार को आयोजित सहयोग कार्यक्रम के दौरान पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी व वन पर्यावरण मंत्री नीरज बबलू ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री ने कहा कि राज्य की सभी पंचायतों में पंचायत कार्यपालक सहायक को बहाल किया जाएगा। वहीं अब तक विभाग के स्तर से 7,600 पंचायत कार्यपालक सहायक की बहाली भी कर ली गई है। जल्द ही 8,000 नए कार्यपालक सहायकों की बहाली भी की जाएगी। साथ ही कहा कि इसके लिए बेल्ट्रॉन के माध्यम से परीक्षा ली जाएगी, इसके बाद ही चयनित अभ्यर्थियों की इसमें बहाली होगी। वहीं इस मौके पर उन्होंने राजद पर प्रहार करते हुए कहा कि राजद अक्षम हो गया है, राजद में नेता, नीति और नेतृत्व का घोर अभाव है। सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी पंचायतों में आरटीपीजी आरएस का काउंटर खोला जाएगा, जिससे आम लोगों को प्रखंड कार्यालय जाने की ज़रूरत नहीं होगी, उन्हें सभी सुविधाएं उनकी पंचायत में ही मिल जाएगी। बता दें कि किसी भी योजना से संबंधित शिकायत से लेकर अन्य सभी तरह की समस्याओं का समाधान तुरंत हो जाएगा। इस मौके पर वन व पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि वृक्ष लगाएं, पर्यावरण को बचाएं। इतना ही नहीं, पर्यावरण संतुलित रखने के लिए विभाग द्वारा बड़े स्तर नदी किनारे पौधे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि तेज प्रताप प्रतिभावान है, राजद को इनकी प्रतिभा का लाभ उठाना चाहिए। जो व्यक्ति परिवार में प्रतिभा का सम्मान नहीं कर सकता है, वह राज्य का क्या भला करेगा। अब ऐसे बोल के राजनीतिक गलियारों में आखिर क्या मायने निकाले जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।